नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल से सक्सेस यूपीएससी में। देखिए, ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो ज्योग्राफी का चैप्टर वन, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन जो था ऑफ द इंडिया, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें सारा वो चीज़ अक्षांश रेखाएँ, देशांतर रेखाएँ, मानक रेखाएँ और कौन भारत का पड़ोसी देश है, भारत की बाउंड्रीज कितनी लंबी लंबी हैं, इस टॉपिक में आपको कंप्लीट में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया मतलब ये होता है कि जैसे भारत की जो स्थिति है आपके वर्ल्ड के नक्शे में, या उसकी स्थिति जो है ग्लोब में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझिए कि भारत जो है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप का दक्षिण भाग है वहाँ पर स्थित है। अभी मैं आपको मैप के थ्रू समझाऊँगा, पहले एक बार रीडिंग मार लेते हैं। ठीक है, आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम था, जिसको आर्यों ने नाम दिया था। इसको भारत के नाम पर, इसको भारत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था। ईरानियों ने इसे हिंदू नदी तथा हिंदुस्तान कहा, और यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहते थे, और उसी के बेसिस पे इसका नाम इंडिया रख दिया था। ठीक है, अब देखिए भारत की स्थिति। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, आप हमेशा समझिएगा। ये जैसे वर्ल्ड है, ठीक, वर्ल्ड का मैप है, इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऐसे और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल्स में क्या होता है कि जैसे आप याद देखिएगा, अक्षांश होंगे वो आपको ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए ये ग्लोब आपका हो गया तो ये हो गया। ठीक है, ये आपके अक्षांश हो गए, अक्ष से काटा गया। इसको अगर कभी भूलें तो आप याद रखिएगा, जो अक्षांश आप लिखते हो, अ कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना। ठीक है, तो अब मैं देखिए इस तरह की बात, इस डंडी आई है तो इसको अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, और देशांतर जब आप लिखते हो, देशांतर में आप कैसे लिखते हो, देशांतर, तो देशांतर में आप जो है, देखिए देशांतर में द लिखते हो आप। ठीक है, तो द में कैसे आप लिखोगे, द जो आता है आपका वो ऐसे द करके ऐसे आता है आपका, तो इसमें जो है ऊपर से नीचे आता है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, इससे भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, अक्षांशी दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है, और देशांतरी दृष्टि से ये पूर्वी गोलार्ध पर स्थित है। इसमें बेसिकली कहा गया है, जैसे अगर ये वर्क ग्लोब है आपका, ठीक है, तो इस ग्लोब में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऊपर आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे आपका दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ठीक है, तो भारत जो है अक्षांशी दृष्टि से जो है ऐसे डिवाइड किया गया, भारत की जो स्थिति है वो यहाँ है, इस जगह, इस पॉइंट पर है। ठीक है, इस पॉइंट पे, तो ये क्या है, है तो पूर्व में, अगर आप वर्ल्ड को देखो तो है ये पूर्वी साइड में और ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो भारत की जो स्थिति है वो आपकी उत्तरी और पूर्वी दोनों है। ठीक है, उत्तरी और पूर्वी दोनों गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की। ठीक है, देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो है आपका लगभग 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत को विश्व का सातवां देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां देश है, 2.43% लगभग वर्ल्ड का है। इसकी ट्रिक होती है RCCABA, याद रखिएगा फॉर्मूला RCCABA, तो R से रशिया हो जाएगा और CC में CA पहले आएगा, यानी कनाडा पहले आएगा और चाइना बाद में आएगा, चूँकि CA है। ठीक है, RCC मतलब हो गया रशिया चाइना, रशिया कनाडा चाइना। ठीक है, फिर ABA यानी अमेरिका ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया आता है। ठीक है, भारत से बड़े जो छह देश हैं उसमें RCCABA, R फॉर रशिया, CA फॉर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका ब्राज़ील और फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैंने आपको बताया था ग्लोब में कि भारत की यह स्थिति है। ठीक है, भारत की यह स्थिति है, ये विषुवत रेखा बीच में गई हुई है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध, और ये पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति देखिए आपको दिख रही होगी, ये उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति है। ठीक है, भारत की देखिए अक्षांश होता है, अक्षांश जो लाइन होती है वो आप देखिएगा कि पूर्व पश्चिम से पूर्व की तरफ होती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ होती हैं, इस तरह होती हैं, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो होती हैं आपकी जो है देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, देखिए देश का विस्तार कहता है, देश का विस्तार देखिए दो तरीके से होता है, एक उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है। ठीक है, एक उत्तर से दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो है उत्तर से दक्षिण में जो है उत्तर से दक्षिण में देखिए इसमें क्या है कि देश का विस्तार जो है वो 3,214 किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2,933 किलोमीटर है। ठीक है, पूरे भारत में मानसूनी जलवायु है। ठीक है, जलवायु क्या है वो बाद में आपको हम पढ़ाएंगे। मानसूनी जलवायु मतलब जो हर समय के साथ साथ चेंज होती रहती है।
ठीक है, गर्मी में अलग होगी, सर्दी में अलग होगी, अलग अलग मतलब मानसून के हिसाब से जलवायु बदलती रहती है, ठीक है, वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, मानसूनी जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध है। उष्ण तथा उपोष्ण में आपको बताया था, वो अलग बताऊंगा बाद में, कि विषुवत रेखा के जो ऊपर है उष्ण कटिबंधीय पाए जाते हैं और नीचे जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। देखिए भारत का विस्तार यहाँ देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का जो है वो विस्तार है। अगर आप अंडमान निकोबार से कैलकुलेट करेंगे इसको, तो सबसे नीचे पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 6.6 डिग्री 4 मिनट तक होगा, और अगर ऊपर से पूछे कंप्लीट विस्तार है तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा, ऐसे उत्तर से दक्षिण तक, ठीक है। भारत की स्थिति भूमध्य रेखा में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर पूछेगा तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू करेंगे, ठीक है, और देशांतरी विस्तार अगर बात करेंगे यानी कि जो इधर से इधर तक, तो 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट जो आपका पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देखिए दोनों को पूर्वी इसलिए बोले हैं क्योंकि वर्ल्ड के जो उसमें ग्लोब में कि पूर्व में ही है, इसलिए इसको आप ये मत समझिएगा कि गुजरात पश्चिम में है तो पश्चिम हो जाएगा, नहीं, तो 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, ठीक है। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए भारत के पश्चिम से पूर्वी तक, देखिए पश्चिम से पूरे इस पर्टिकुलर जो मैप है इसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि भारत में देखिए पूर्व से जो पूर्वी देशांतर है यहाँ से लेके अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट है, उसके बीच में लगभग 30 देशांतर रेखाएँ आती हैं, ठीक है, 30 देशांतर रेखाएँ आती हैं। अब हम बात करते हैं कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच में कितना गैप होता है। पृथ्वी जो है 360 डिग्री देशांतर में बटा हुआ है, जो 24 घंटे में अपना परिक्रमा कर लेती है, ठीक है। अगर 360 डिग्री 24 घंटे में पूरा करती है तो लगभग 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट के आसपास आता है, यानी 1 देशांतर को ट्रैवल करने में लगभग 4 मिनट का अंतर आता है, यानी गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 30 देशांतर रेखाओं का अंतर, यानी लगभग 2 घंटों का अंतर होगा आपका, ठीक है। पूर्व में समय हमेशा जो होता है इसीलिए आगे होता है, पूर्व में जो समय होता है वो हमेशा आगे होता है, यानी अरुणाचल प्रदेश जो होगा वो 2 घंटे आगे होगा फ्रॉम गुजरात, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मानक समय की। देखिए भारत के पूर्व से पश्चिम के बीच में कई देशांतर दूरियां हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अलग अलग जगह पे अलग अलग समय होता है, नंबर 1 डिग्री की वजह से 4 मिनट होता है, इसलिए पूरे भारत में एक ही समय मानने के लिए एक देशांतर चुना गया जहां समय पूरे देश में मान्य होगा, जिसका समय पूरे देश में मान्य होगा, जिसे मानक समय कहा जाता है। भारत का जो मानक समय है वो देशांतर 82 डिग्री 1/2 मिनट पूर्वी देशांतर देश के जो मध्य है उसको माना गया है। ये कहाँ पर है? इलाहाबाद के नैनी मिर्जापुर में। भारत के मानक समय रेखा निम्न राज्यों से गुजरती है, या देखिएगा 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर ध्यान देखिएगा, यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे लगभग आगे है, ठीक है। ग्रीनविच समय देशांतर 0 डिग्री है, और 0 से 82 हाफ अगर कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई के 330 मिनट के आसपास आपका आएगा, तो वो 5 घंटे 30 मिनट आगे हम लोग, ठीक है। अक्षांश रेखाओं पे लगभग 8 राज्य अक्षांश रेखाएं, यानी जिसे हम कर्क रेखाएं भी कहते हैं, वो 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद रखेंगे तो गमछा झारमित्र होगा, बट इसमें आपका सीरियल वाइज नहीं होगा, गमछा से आपका गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झार से झारखंड हो जाएगा, और मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा हो जाएगा। बट अगर आप डायरेक्शन वाइज देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ तो सबसे पहले गुजरात आएगा, गुजरात के बाद राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आएगा, ठीक है। कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? रांची याद रखिएगा, ठीक है। कर्क रेखा के समीप शहर भोपाल और गांधीनगर स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान किस अक्षांश रेखा पर किस अक्षांश रेखा के सहारे कक्ष के रण का बंटवारा चाहता है? तो याद रखिएगा 24 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई किस राज्य में सबसे बड़ी है? तो एमपी देखिए मध्य प्रदेश सबसे बड़ी है। भारत की स्थलीय सीमा और जो है स्थलीय सीमा और जो तटीय सीमा दो तरीके होता है, आपको दिख रहा होगा इसमें स्थलीय सीमा, ठीक है। यदि अगर वही कह रहे हैं कि अगर भारत को अगर इस तरह डिवाइड किया जाए, ठीक है, अगर इस तरह करके
अगर ऐसे डिवाइड किया जाए, ठीक है, इस तरह करके, तो जहाँ जहाँ स्थल है ये पोर्शन जो है ये आपकी स्थलीय सीमा दिखा रहा है, और यहाँ नीचे क्योंकि तटीय है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सीमा है ये तटीय सीमा कहलाती है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है, ठीक है। अगर द्वीपों समय तो कुल तटीय सीमा का जो जितने भी द्वीप हैं अंडमान निकोबारी सबको कैलकुलेट कर लिया जाए तो 7,516 के आसपास है, यानी टोटल जो सीमा होगी स्थलीय और तटीय लगभग 22,716.6 किलोमीटर के आसपास आएगी। अब भारत के पड़ोसी देश देख लेते हैं, तो 55 MB याद रखिएगा, 55 मतलब ब से बांग्लादेश, च से आपका चाइना, प से आपका पाकिस्तान, न से आपका नेपाल, और MBA यानी कि म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है, जिसमें भारत और बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा है लगभग 4,096.7 किलोमीटर की है, और सबसे छोटी सीमा जो है आपकी अफगानिस्तान से है 106 किलोमीटर, ठीक है। देखिए भारत के अलग अलग सीमाओं में अलग अलग, पश्चिम में पाकिस्तान है, अगर डायरेक्शन वाइज देखेंगे तो उत्तर में चाइना है, पूर्व में बांग्लादेश है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और उत्तर पूर्व में भूटान है। अब ये अलग अलग कौन कौन से राज्य किससे किससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। एक चीज़ ऐसा याद रखिएगा कि श्रीलंका भी भारत का एक पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में सेपरेट है पाक जलसंधि से, ठीक है, वो आगे मैं डिटेल बताऊंगा उसके बारे में। अब देखिए पाकिस्तान से जो सटे राज्य हैं वो आपके 4 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। कौन कौन से हैं 4 राज्य? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। चाइना से 5 राज्य कौन कौन सटे हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है। नेपाल से यूपी, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश से आपके जो अटैच्ड हैं वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। भूटान से आपके 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर। देखिए लग रहा होगा थोड़ा सा टफ, लेकिन आप इसको अगर वीडियो को 2 या 3 बार इसको देख लेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैप के साथ में इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। दूरस्थ बिंदु का इंडिया, दूरस्थ बिंदु और जो कौन कौन से होते हैं, देखिए उत्तर में सबसे उत्तर का बिंदु किसका कहलाता है? सबसे उत्तर मतलब सबसे ऊंचा ऊपर जो बिंदु है वो इंदिरा कॉल कहलाता है। सबसे दक्षिण का बिंदु इंदिरा पॉइंट या ग्रेटर निकोबार कहलाता है। पूर्व का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु किवीथू अरुणाचल प्रदेश में कहलाता है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौर माता जो कि गुजरात में है। और मध्य भूमि की सीमा जैसे सीमा कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणांश में पाया जाता है, ठीक है।